So hey guys and what's up and welcome back to my channel once again guys. तो guys बहुत दिन बाद मेरे को पता है कि मैं एक pre-recorded या pre-shoot video बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा live streams कर रहा था बीच में तो और वो continue भी होगा भाई वो series continue भी होगा but आज PES 2021 का DLC 2.0 का update आया है PC में तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जरा तोड़ फोड़ के रिव्यू किया जाए इसका तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है यार आज दो वीडियो बनाते हैं पहले हम बना लेते हैं इसका रिव्यू और बाद में 6 बजे जैसे लाइव स्ट्रीम होता है तो लाइव स्ट्रीम कर लेंगे दोनों ही काम साथ में हो जाते हैं तो चलो गाइस बिना किसी देरी के इस रिव्यू को शुरू करते हैं तो भाई हम अभी आ चुके हैं हमारा ओपनिंग स्क्रीन के ऊपर जिसके ऊपर मेरे को पता है आप लोगों कुछ एक्स्ट्रा दिख नहीं रहा है बट नीचे अगर हम चले तो यहाँ पे आपको आइकॉनिक मोमेंट्स दिख रहा होगा कि कौन कौन से आइकॉनिक मोमेंट्स इंट्रोड्यूस करा दिया गया है जो कि रोनाल्डिनो है पियोल है और डेको है और मोबाइल यूजर्स के लिए मैं बता दूँ कि एक वो जो आइकॉनिक मोमेंट का वो जो ट्राइज होता है ना वो 3 ट्राइज फ्री में मिला है उन लोगों तो हाँ यार वो मिला है एक बट पीसी यूजर्स के लिए वो नहीं मिला है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिला है और बाकी यहाँ पर फीचर्ड प्लेयर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाता है एम्बापे ओब्लैक इब्राहिमोविच एंड मूलर सब वो मिल जाता है बट अनलकीली कोई भी मोबाइल का लॉगिन कैंपेन पीसी में नहीं आया है बट इसके अलावा मैं आपको एक बारी दिखा देना चाहता हूँ कि आज का जो अपडेट आया है तो एक बारी चलिए उसको ज़रा तोड़ के देखते हैं कि क्या क्या नया देखने को मिला है आज का अपडेट में वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि 2-3 बॉक्स ड्रॉप्स भी करेंगे इसके बाद हम फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं बाकी तो थोड़ा सा पेशेंस लेके देख लेना भाई इस वीडियो को क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिल सकता है इस वीडियो में कि क्या क्या नया हुआ है इसमें पहले चलते हैं हमारा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के ऊपर और ऑनलाइन इन्फो के ऊपर जाके एक बार चेक करते हैं कि क्या क्या आया है यहाँ पे देख सकते हो कि न्यू डेटा पैक 2.0 और पैच 1.0 2.00 अवेलेबल हो चुकी है जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या आया है न्यू अपडेट्स एंड एडिशंस में न्यू सीजन डेटा फॉर जुपिटर प्रो लीग बेल्जियम वाला लीग फिर न्यू सीजन फॉर सीरी ए टीम जो कि इटालियन लीग है फिर सीरी बी के टी है जो कि इटालियन सेकेंड डिवीजन है फिर स्पेनिश लीग सेकेंड डिवीजन रेफेलियन सुपर लीग टर्की चाइनीज लीग ब्राजीलियो असाई ब्राजीलियो सीरी बी और अपडेटेड क्लब नेम्स टीम एम्बलम्स यूनिफॉर्म्स प्लेयर डेटा न्यू अपडेटेड कमेंट्री न्यू अपडेटेड प्लेयर पोर्ट्रेट्स न्यू अपडेटेड फेस मॉडल्स मैनेजर पोर्ट्रेट्स न्यू मैनेजर लीग्स फिर स्टेडियम डेटा एंड ऑल देखने को मिल जाता है आप लोगों को और फोटो ऐड किया गया है मेनू स्क्रीन्स के ऊपर और सिनेमेटिक एंड एनिमेशन किया गया है न्यू क्लीट एंड ग्लव मॉडल्स भी नया आया है फिक्स एन इशू दैट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम फॉरवर्डिंग टाइम एंड और कंप्लीटिंग ट्रांसफर्स इन मास्टर्स लीग ये कंप्लीटली पीसी के लिए ही है ये अपडेट एंड ट्रिगरिंग ट्रिगर्ड ऑप्टेन अ प्लेयर फ्रॉम अनदर टीम बाई ट्रेडिंग ऑफ योर ओन हाँ ये एक प्रॉब्लम था जो कि फिक्स कर दिया गया है मेड सम ट्विक्स टू द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग दैट ऑकर्स वेन यूजर्स गो आइडल इन ऑनलाइन मैचेस ये एक बहुत गंदा चीज़ चल रहा था PES 2021 में पी सी वर्जन में बिगिनिंग से जो कि इन लोगों ने मे भी फिक्स किया है मैच डे आएगा तो और अच्छा हो जाएगा A variety of minor adjustments have been made to the mode to improve overall gaming experience. मैं एक और चीज़ चाहता था data pack 2.0 के अंदर जो कि पता नहीं इन लोगों ने डाला है कि नहीं डाला है वो यही था कि जो भी इन गेम जो भी मॉडल्स आप लोगों को देखने को मिलता है ना मॉडल टीम्स उसका जो रेटिंग होता है आपका जब आप खेलते हो ऑनलाइन मैचेस वो बहुत ही इरेगुलर मैचिंग हो जाता है क्योंकि मैंने खुद देखा है 400 रेटिंग के टीम के साथ आपको 650-700 वाले का मैचअप हो रहा है जो कि मेरे को लगता है बहुत गंदा है क्योंकि एक प्लेयर को एकदम अनड्यू एडवांटेज मिलता है जिसमें आप रॉ एडवांटेज जिसे कहते हो जो आपको 4-5 गोल से हराने वाला है तो भाई ये एक बहुत ही गंदा चीज़ है
इसके अलावा कुछ भी बोला जाए तो ई फुटबॉल का एक लॉगिन कंपन अनाउंस कर दिया गया है। ये पीसी यूजर्स का अलग है, मोबाइल यूजर्स का अलग है। ये मोबाइल लॉन्च पीरियड का है, ये एक आपको लेजेंड एक्सक्लूसिव आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी एक्साइटिंग है। आप जा सकते हो, मतलब बहुत अच्छा है, रादर बहुत अच्छा है मैं बोलूँगा। आइकॉनिक मोमेंट्स वगैरह तो सबको पता ही है कि ये इंट्रोड्यूस करा ही गया है, डेको, पियोल, रोनाल्डिनियो वगैरह, तो बाकी सही है। रैंकअप रैंकिंग चैलेंज भी है, रैंकिंग चैलेंज भी आना चाहिए था तो आ गया, तो सही है। अब गाइस मैं आपको प्लेयर्स भी दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत एक दो चेंज टीम आपको दिखा दूंगा जो कि टीम में चेंज कर दिया गया है। पहले हम लोग एक बारी चीज़ों को ऑप्टेन कर लेते हैं, देखते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं फिर एंड देखते हैं क्या क्या आया है। देखो गाइस हमारे पास अभी तो फिलहाल के लिए कोई कॉइन्स बचा है नहीं, तो पहले एक प्रीमियम एजेंट खोलेंगे और फिर लेजेंड्स एक्सक्लूसिव खोलने वाला है। तो चलो गाइस प्रीमियम एजेंट में आशा करता हूँ गोल्ड बॉल एटलीस्ट मिल जाए मेरे को, तभी मज़ा आने वाला है भाई। अरे 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 मेरे को लग रहा है ये कुछ लोचा करेगा, पता था लोचा हो गया फिर से। जर्मेन ऐसा कोई नाम है इस बंदे का, और डाटोलो पास्कालिस ऐसा ही नाम है भाई, पता नहीं कुछ तो होगा। अब चलो गाइस लेजेंड्स एक्सक्लूसिव पैक इसमें कौन कौन आता है हमारे पास देखते हैं एक बारी। जो भी हमारे पास इन टीम है वो तो शायद नहीं मिलेगा, जावी हमें नहीं मिलेगा और एक और प्लेयर हमको नहीं मिलेगा यहाँ पर अगर वो बंदा है तो। हाँ क्लुइवर्ट नहीं मिलेगा, ये दोनों ना मिले भाई मर जाऊँगा फिर मैं यार। मैराडोना मिल जाए, क्रॉयफ मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो इनिएस्टा या रोनाल्डिनियो मिल जाए, इन चार में से कोई एक मिल जाए भाई, नहीं तो वियरा मिल जाए, बस इन पांच में से कोई भी मिल जाए यार मज़ा आ जाएगा। चलो गाइस इसी के साथ साथ हम चलते हैं हमारा लेजेंड पैक ओपनिंग की तरफ। हाँ ये एनिमेशन भाई साहब, ये एनिमेशन दिल खुश कर देता है एकदम, दिल के अंदर से जो खुशी होती है ना टपकने लग जाता है। राइट फुटेड वियरा है क्या? नहीं वियरा तो नहीं हो सकता है, पता नहीं कोई तो होगा। अरे यार फिर से क्लुइवर्ट यार, दो दो क्लीवर्ट हो चुका है यार भाई, मेरे पास कोई आवाज नहीं है अब यार, दो दो क्लीवर्ट हो चुका है यार, पहले भी एक क्लीवर्ट मिला था मेरे को। इन लोगों का ये जो स्कैम चलता है ना, ये स्कैम पे मेरे को बहुत गुस्सा आता है यार, सच बता रहा हूँ बहुत गुस्सा आता है मेरे को ऐसे स्कैम करते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको मैं कुछ और भी चीज़ें दिखाना था, प्लेयर डेटा वगैरह दिखाना था आपको। चलो भाई एडिटेड डेटा पे चलते हैं, यहाँ पर प्लेयर्स पे जाना है हमें एंड एडिट प्लेयर पे जाना है, फिर कुछ चीज़ें आपको बार्सिलोना का क्लब से दिखाना देख सकते हो आप, जैसे कि बाकी सारे प्लेयर्स को हटा दिया गया है, जैसे कि सुअरेस वगैरह को हटा दिया गया है, उसकी जगह पे डेम्बेले आ चुका, मतलब डेम्बेले तो था ही, कुटिनियो को ऐड किया गया है जो कि आपको बेस टीम में पहले देखने को नहीं मिलता था। फिर आपको दो तीन और भी प्लेयर्स देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा आपको एक बड़ी प्लेयर है वो है अंशु फटी, ये फटी है 82 रेटिंग वाला प्लेयर, पता नहीं भाई अंशु फटी में इन लोगों ने ऐसा क्या देख लिया कि इसका मैक्स रेटिंग 96 कर दिया भाई। ये देखने के बाद ना भाई मैं मतलब स्पीचलेस रह गया, कुछ बोलने का ही नहीं बचा ये चीज़ देखने के बाद। इसके अलावा अगर बोला जाए रियल मैड्रिड के अंदर तो इसमें कोई नया प्लेयर या नया चीज़ें, नया फेसेस ऐड किया गया है, फेसेस काफ़ी सारा ऐड किया गया है गाइस। फेसेस के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आज हम 6 बजे लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, जिसमें पेस्का ही लाइव स्ट्रीम करेंगे। मैं एक सीरीज चल रहा था वैसे जो कि आपका होराइजन जीरो डॉन का था, बट स्टिल हम उस सीरीज को ब्रेक करके आज पेस लाएंगे, पेस्का 2.0 का अपडेट आया है। तो आपको कोई भी फेस अपडेट वगैरह देखना है तो फेस अपडेट के रिगार्डिंग आप उसमें आ सकते हैं, और ओडेगार्ड का भी फेस अपडेट किया गया है भाई, ये बता देता हूँ, इस भाई साहब का फेस अपडेट किया गया है, तो उसमें आके आप गेम को देख सकते हो, मेरे से आप बोल सकते हो कौन सा प्लेयर का आप फेस देखना है, तो वो आप देख सकते हो। बाकी रिगार्डिंग जो भी कपड़े वपड़े का अपडेट आ चुका है, और जो भी न्यू
सीजन का जो भी टीम्स था, टीम्स को भी अपडेट कर दिया गया है अब गेम के अंदर। तो बस इतना ही था जो भी डेटा पैक 2.0 का अपडेट में था। मोबाइल में एक बहुत अच्छा कैंपेन चालू कर किया गया है जिसमें 100 कॉइन सबको रोज का मिलता है। भाई जब वो भी अगर पीसी में आ जाता वो भी दिल खुश कर देता। और इन लोगों ने एक दिया लेजेंड, उसमें भी कुछ नहीं मिला, फोकट का कट गया हमारा। तो मैं उसके बाद और कुछ नहीं बोलूँगा भाई, मेरे पास कोई आवाज़ नहीं है उसके आगे बोलने का, तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला। बाकी बात किया जाए इवेंट्स के बारे में तो कुछ अच्छे अच्छे इवेंट्स अब आने लग गए हैं, जैसे कि आपका रैंक्ड मैच वापस ला रहे हैं, या बार्सिलोना वर्सेस जो बार्सिलोना और आपको रियल मैड्रिड का आपको जो मैच था वो देखने को मिल जाता है। और साथ में पीसी में मैं बता देता हूँ यूसीएल का भी आपको मिल जाता है, मतलब चैंपियंस लीग का भी आपको मैच डे देखने को मिला है इस बार, तो मेरे लिए वो काफ़ी खास था। तो यही सारे चेंजेस हुआ है डेटा पैक 2.0 में। थोड़ा बहुत अच्छा भी बोल सकते हो, थोड़ा कुछ कॉन्स भी रह गया है। और प्लेयर फेसेस के बारे में जो भी डिस्कशन होगा 6 बजे का लाइव स्ट्रीम ज़रूर विजिट करना, उसमें हम लोग इन डिटेल प्लेयर फेसेस डिसाइड मतलब बातचीत करेंगे। इसमें अगर अभी बातचीत करने लग जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी, 30 मिनट का भी हो सकता है वीडियो, तो अभी मैं नहीं कर रहा। अभी मैं आपको जो छोटे मोटे चेंजेस है वो मैं दिखा दिया है, जो कि थोड़ा बहुत मेजर गेम को इम्पैक्ट कर रहा है वो दिखा दिया है, और पैच नोट्स आपको दिखा दिया है। तो गाइज मिलते हैं 6 बजे लाइव स्ट्रीम में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ठोक देना, चैनल पे नहीं हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना भाई। और भाई अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। नीचे आपको डिस्कॉर्ड का भी लिंक मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड भी मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बातचीत होता रहता है बीच बीच में, तो उसको भी आप ज़रूर से चेकआउट करें। और आप मेरे को ये भी ज़रा एक बार सजेशन कर देना कि भाई आप लोग कैसा लाइव स्ट्रीम देखना पसंद करोगे, जैसे कि आप मल्टीप्लेयर गेम्स ज़्यादा देखना चाहते हो या कैंपेन जो कि स्टोरी मोड गेम्स, क्योंकि मेरा एक प्लान है कि स्टोरी मोड गेम्स जैसे ही नया नया स्टोरी मोड गेम्स आएगा तो उसको तो हम खेलेंगे ही, साथ में कैंपेन गेम जो भी मल्टीप्लेयर है मल्टीप्लेयर पे भी हम ध्यान देने वाले हैं, जैसे कि वैलोरेंट वगैरह पे, साथ में पेस भी हम खेलते रहेंगे, जैसे ही नया नया अपडेट्स आता जाएगा उसको भी हम खेलते जाएंगे, तो उसका भी आप मेरे को एक बार सजेशन नीचे दे देना। तो मिलते हैं आपसे 6 बजे वाले स्ट्रीम में, टिल देन गुड बाय गाइस।